आज हम बात करेंगे उन पांच इम्पॉर्टेंट चीज़ों की जिनको ध्यान में रख के आपके पीरियड्स हेल्दी हो सकते हैं। ये पांच चीज़ें हैं, पहला कि क्या प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं अपने पीरियड्स में, दूसरा आपके हाथ, आप अपने हाथ कैसे धोते हैं और कब धोते हैं, तीसरा आपको जो पेन अनुभव होता है जब आपके पीरियड्स होते हैं, चौथा पेपर या वो तरीका जिससे कि आप अपने पीरियड्स के प्रोडक्ट्स को फेंकते हैं कूड़े में, और पांचवा वो पीरियड जो कि आपके पीरियड्स के बीच के दिनों का है। तो अब हम एक एक बात इनमें से आराम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पीरियड्स आखिर है क्या। हमारे पास यहाँ पर एक मॉडल है जिसकी मदद से अब हम समझेंगे कि हमारे पीरियड्स क्या है या हमें पीरियड्स क्यों आते हैं। हमारे शरीर में एक अंडाशय यानी कि ओवरीज होती हैं, दो ओवरीज होती हैं जो कि बच्चेदानी या यूट्रस से कनेक्टेड होती हैं। यूट्रस का मुंह सर्विक्स होता है जो कि वजाइना यानी कि योनि में खुलता है। हर महीने हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे महीने के 8वें से 16वें दिन के बीच में शरीर में एक अंडा निकलता है। हमारा शरीर इस उम्मीद में कि कोई प्रेगनेंसी होगी, यूट्रस की यानी कि बच्चेदानी की जो लेयर्स हैं उनको बढ़ाता जाता है, और जब कोई प्रेगनेंसी नहीं होती है तब इन्हीं लेयर्स को ब्लड के फॉर्म में पीरियड्स के थ्रू निकाल दिया जाता है। आपके पीरियड्स के दिनों में यूजुअली आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि सारा खून सोखता है या फिर इकट्ठा करता है। इस तरह के तीन प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे पहले आमतौर पर ज़्यादातर लड़कियाँ या औरतें इस तरह के सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करती हैं। इन सैनिटरी नैपकिन्स को खोल के आप अपने कपड़ों पे लगा सकते हैं, और ये एक नैपकिन करीब करीब एक चम्मच खून सोख सकता है। इन नैपकिन्स को ज़रूरी है कि आप अपने फ्लो के हिसाब से चेंज करें और 8 घंटे से ज़्यादा एक नैपकिन को लगाकर नहीं रखें। दूसरी चीज़ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है टैम्पॉन्स। टैम्पॉन्स दो तरीके के आते हैं, एक जिनमें एप्लीकेटर साथ में लगा होता है जैसे कि ये है, और दूसरे जिनमें अकेला टैम्पॉन होता है। अभी हम समझेंगे कि एप्लीकेटर के साथ वाले टैम्पॉन को कैसे शरीर के अंदर डाला जा सकता है। तो सबसे पहले इस टैम्पॉन के पीछे के हिस्से को खींचिए, पूरी तरह उसको बाहर खींचने के बाद उसे अपने वजाइना के पास लेके जाइए, और अब इस टैम्पॉन को पूरी तरह अंदर धकेल दीजिए, और इसके बाद एप्लीकेटर को आराम से बाहर निकाल लीजिए। ये थ्रेड यहाँ पर इसलिए है ताकि जब आप टैम्पॉन को बदलना चाहें तब आप इस धागे की मदद से टैम्पॉन को आराम से बाहर खींच सकते हैं। तीसरा प्रोडक्ट जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप को इस्तेमाल करने के लिए पहले उसे इस तरीके से मोड़िए, सी के तरीके से। दोबारा देखते हैं, इस मेंस्ट्रुअल कप को ऐसे मोड़िए, इसके बाद उसे वजाइना के पास ले जाकर थोड़ा सा अंदर डालिए, और फिर अपनी पहली उंगली को इस्तेमाल करते हुए उसे अंदर की तरफ घसीटें, और उसके बाद धीरे से अपनी उंगली को बाहर निकाल दें। ये मेंस्ट्रुअल कप अपनी जगह पे पहुंचने के बाद अपने आप खुल जाएगा। इस मेंस्ट्रुअल कप के अंत में एक टेल है। इस टेल को इसलिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि जब आप इस मेंस्ट्रुअल कप को 12 घंटे के बाद निकालना चाहें तब आप इस टेल को ढूंढ के इस कप को बाहर खींच लें। इसको बाहर खींचते वक्त ध्यान रखें कि ये एक सक्शन की वजह से अंदर है, और आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है इसको बाहर खींचने में, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं। दूसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है वो ये कि ना केवल प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद यानी कि पैड्स चेंज करने के बाद या मेंस्ट्रुअल कप निकालने के बाद, बल्कि उससे पहले भी आपको साबुन से अपने हाथ ज़रूर धोने चाहिए। यानी कि चाहे आप पैड लगाने जा रहे हो या उतारने जा रहे हो, पहले आप हाथ धोइए, फिर पैड बदलिए, और उसके बाद फिर दोबारा से साबुन से हाथ धोइए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपको बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं आए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसको बिल्कुल ठीक तरीके से फेंकें, उसे कभी भी फ्लश नहीं करें टॉयलेट के अंदर, हमेशा उसे पेपर रैपिंग के अंदर या फिर मार्केट में जो ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजल बैग्स अवेलेबल हैं उसके अंदर डाल के पैड्स को उसे डस्टबिन में फेंकें, ना कि उसे फ्लश करें। चौथी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि बहुत सारी लेडीज़ को
पीरियड्स के दौरान पेन महसूस होती है। ये पेन वेरी करती है, बहुत कम माइल्ड डिस्कम्फर्ट से बहुत ज़्यादा पेन तक। तो अगर आप पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन महसूस करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा पेन किलर्स लेने पड़ते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे सलाह करें। आमतौर की पीरियड्स की पेन के लिए आप हॉट वाटर बॉटल्स या फिर होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर ऐसे कुछ हर्बल पैचेस जो कि 12 घंटे तक आपको पेन से कुछ रिलीफ दे सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकती हैं। आखिरी चीज़ जिसको आपको याद रखना चाहिए वो ये है कि जो पीरियड आपके पीरियड्स के बीच का है, यानी कि एक बार पीरियड्स आए और उसके बाद अगले पीरियड्स आए, बीच के जो आपके नॉन पीरियड डेज हैं उनके अंदर आप अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें और अपना ध्यान रखें, क्योंकि इन जनरल अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपके पीरियड्स भी आराम से और हेल्दी रहेंगे।